Good afternoon, students. Yesterday, what we have done is the significant figure, accuracy and precision, rules of the significant figure, and all the example based on the significant figure and rules of the significant figure. So today we will do the new topic, that is your rounding of the measurements. If we are measuring any physical quantity, and after the measurement we get the a definite value of physical quantity, then how we can round off the given physical quantity value. Suppose you are measuring the length, and length that you measured that 8.654, is tarike ki aapne length ko measurement kiya hai, to hum usko round off kaise kar sakte hain, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो फॉर द राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट वी आर हैविंग सम रूल्स. सो आई हैव रिटन द फोर रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स. सो वन बाय वन वी विल डू द रूल्स विद एग्जांपल. तो स्टूडेंट, फर्स्टली यू शुड राइट ऑल द रूल्स in your notebook with example. So I will give the example of each and every rule. So first rule I am telling, the first rule is, if the digit to be dropped in a number is less than 5, then the preceding digits remains unchanged. Again I am telling, if the digit to be dropped in a number is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. So what is the meaning of this statement? This statement we can understand with the help of a suitable example. So example I am taking, suppose हमने एक device से एक length measure की, और जो उस length की value है, measurement के बाद हमारी आई 8.64. अब हमें इसे round off करना. अब हमें round off करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, मतलब ये डिजिट अगर 5 से लेस देन है तो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट रिमेंस अनचेंज, मतलब ये डिजिट आपकी अनचेंज रहेगी और आपका राउंड ऑफ भी हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.6. मतलब इस 4 को हमने राउंड ऑफ कर दिया. क्यों? क्योंकि ये डिजिट 5 से कितनी थी, कम थी. तो ये रिजल्ट कितना होगा, 8.6. सो दिस इज योर फर्स्ट रूल. क्लियर? नाउ सेकंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. अब इसमें दो चीज आती है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से क्या करेंगे, समझेंगे. और एग्जाम्पल में आपका मैं एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज कीजिए आपकी, हमने लेंथ मेजर की और लेंथ की वैल्यू आई आपकी 8.66. अब इसमें डिजिट कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब आपको ये डिजिट देखनी है, इसको राउंड ऑफ करना है आपको. अब यहां पर 5 से क्या है, ये 5 से ज्यादा है, ठीक है. तो इसको आप इस डिजिट पे आप क्या कर दोगे, 1 का ऐड कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 8.7. दोबारा देख लीजिए, लेंथ की मेजरमेंट हमारे किसी भी डिवाइस से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या आई थी, 8.66. अब इस डिजिट को हमें क्या करना, राउंड ऑफ करना, खत्म करना. तो 6 क्या है, 5 से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.7 आपकी. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1. अब आपका ग्रेटर देन 5 का तो कर लिया, इक्वल के मैंने दो रूल बनाए हैं, उसको मैं करूंगा आपके. वो रूल किसके, किस तरीके के हैं, रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट इज इवन. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट इज इवन. तो देखिए इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज कीजिए आपकी मेजरमेंट में
जो वैल्यू है आपकी कितनी है, 8.65 है आपकी, मतलब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये कितनी आ गई, 5, 5 से ज्यादा है कम आते तो आप इस रूल से कर देते, अब ये आ गई 5। अब इसमें आपको क्या करना है, देन द प्रीसीडिंग रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। इससे पहले वाली टर्म को देखना है ये इवन है या ओड है। अब ये टर्म कितनी है, इवन है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.6 ही आएगी आपकी, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 8.6। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपका 8.650 है, ये वैल्यू तो क्या थी, 8.65, इस 5 को राउंड ऑफ करना था, इससे पहले वाली टर्म देख ली मैंने, इवन थी आपकी, तो 8.6 आ गया, कोई चेंज नहीं आया। अब 8.650 है, इस 5 के साथ ये 0 है, अब इसमें ये दोनों राउंड ऑफ होंगी, इस 5 के बाद 0 है, तो इस 0 से 5 से पहले वाली टर्म देखनी है कि ये इवन है या ओड है। अब ये इवन है तो ये अनचेंज आएगी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 8.6 आएगी आपकी। सो दिस इज अवर थर्ड रूल, क्लियर। फोर्थ रूल में क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रेसिडेंट डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। इवन था तो इसमें क्या था, आपके कोई वैल्यू चेंज नहीं होती थी, अगर आपका ओड है तो इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यही वैल्यू आपकी कितनी होती, 8.75 होता, हमें इस 5 को राउंड ऑफ करना, बट ये इस 5 से पहले ये डिजिट क्या आ गया आपकी, ओड आ गई, तो इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8.8। दोबारा देख लीजिए, अगर यही आपकी इसी लेंथ को हमने मेजर करना था, वो लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 8.75 होती, तो हम क्या करते, 5 जो था उससे पहले की टर्म देखते, वो कहा है ओड, और ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देते, तो वैल्यू कितनी आती, 8.8 आती। अब 0 का देख लेते हैं, अब ये वैल्यू 8.750 होती, तो फिर 0 और 5, अब ये दोनों राउंड ऑफ होंगे। अब 0 जो है आपकी, जो 0 है, 0 से 5 से पहले वाली टर्म देखनी है, ये आपकी क्या है, ओड है, तो इसमें भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.8 ही वैल्यू आपकी आएगी। सो दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। अब बेटा ये रूल, अब कोई पूछे कि भाई सर ने ये रूल करवाया क्यों, अब ये रूल हम कब करेंगे, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे ये तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया था, सपोज करो कि आपकी दो मेजरमेंट हो, उनको ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है या उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तब आपके ये राउंडिंग ऑफ के जितने भी रूल्स हैं ये हमारे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और ये हमारे रूल्स हमारे वहां पर काम आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, इन द राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट वी हैव डन द फोर रूल्स दैट हाउ वी कैन राउंड ऑफ द अवर मेजरमेंट व्हेन वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हेन वी राइट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन वी हैव टू राउंड ऑफ द वैल्यू। सो वी हैव डन द फोर रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। अब ये रूल को इम्प्लीमेंट करना, अब ये रूल इम्प्लीमेंट कहाँ होंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में और डिविजन में। अब देखिए, सबसे पहले एडिशन करते हैं, एडिशन में किस तरीके से रूल अप्लाई होंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सपोज कीजिए आपके दो एक्स और वाई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दी है, तो आपको ये बोलेंगे कि फाइंड द एडिशन एंड फाइंड द वैल्यू अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी डू द एडिशन एंड फाइंड द वैल्यू आफ्टर द एडिशन अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपको इस न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का आपका क्या क्या मीनिंग है। तो एडिशन में मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी थी x, जिसकी वैल्यू क्या थी, 12.32, एक y थी जिसकी वैल्यू 100.004 थी। अब जब हम x plus y करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 112.324। जब हम ऐड करेंगे तो ये एडिशन की वैल्यू आएगी 112.324, तो हमारी एडिशन के बाद वैल्यू आ गई। अब हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझना कि क्या है। इसमें देखिए, पॉइंट के बाद, एडिशन में आपको ट्रिक बता देता हूं, पॉइंट के बाद देखिए सबसे लीस्ट आपको वैल्यू देखनी है फिजिकल, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो आपकी लीस्ट वैल्यू है वो देखनी है आपकी। इसमें देखिए, यहां पर 12.32, यहां पे 100.004, इसका मतलब 32,
ये लीस्ट वैल्यू है आपकी 12.32। पॉइंट के बाद आपको लीस्ट वैल्यू देखनी है, पॉइंट के बाद कितनी है लीस्ट वैल्यू 32। लीस्ट का मतलब आपको टर्म देखनी है, ये कितनी है, दो टर्म है, यहां पर तीन टर्म है। तो ये जो आपका जो राउंड ऑफ होगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर दो टर्म पर ही होगा, क्योंकि यहां पर क्या है जो आपकी लिस्ट है पॉइंट के बाद वो कितनी है, दो टर्म है आपकी। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब दो टर्म तक करना और उसके बाद फिर वो चारों रूल में से कोई रूल एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको दो टर्म तक करना है, तो ये चार जो है पांच से कम है, तो इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिजिट पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 112.32, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमने यहां पर दो चीज की, पहली चीज तो कौन सी, जो आपको रूल्स करवाए थे चारों वो अप्लाई किए, और दूसरा आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बताया कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पर आपका 5 होता 12.325, अब वो कहां तक जाता, 3 तक जाता। ठीक है, बट आपका कितना था 32 था, तो अब ये कहां तक गया, 2 तक ही गया है आपका। और उसके बाद आप रूल लगा देंगे कि आपकी राउंड ऑफ के तरीके से आपकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में आपको इसमें दो क्वांटिटी लिए, इसमें x माइनस y करना है, x क्वांटिटी क्या 9.742 और y कितना 6.02। अब इसमें हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, पहले तो सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में आपका रिजल्ट आएगा 3722, सब्ट्रैक्शन में ये रिजल्ट आएगा 3.722। अब इसमें से भी देखें मिनिमम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने, मिनिमम 2 है आपके पॉइंट के बाद, ये भी को फिर आपका पॉइंट के बाद दो ही डिजिट तक जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी फाइनल 3.72, क्योंकि देखिए फिर ये 2 जो है वो 5 से कम है, तो इस 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 3.72। तो ये किसका हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन का। सो यू विल डू लोड ऑफ एग्जाम्पल, यू कैन प्रैक्टिस लोड ऑफ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। पहले इस रूल को समझिए, फिर उन रूल्स को आप क्या कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का मैंने रूल बताया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको देखना कि कितना आपका डिजिट आगे जा रहा है। इसमें 2 डिजिट आगे जा रहा था और इसमें 3 था, और दोनों में से कम कौन सा है, ये है कम। मतलब आपको लिस्ट भी देखना है, पॉइंट के बाद लिस्ट देखना है। दो क्वांटिटी है, पहले में कितना था 0.32 और दूसरे में 0.004, तो लिस्ट कौन सा है 32 है, तो आपका 2 तक ही जाएगा। पहली बात सोचनी है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद आपको रूल्स लगाने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब आता है मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए इसमें एक्स वाई, पहले तो आपका सबसे बड़ी बात है इसको मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू करीबन आएगी 8.46784, ये वैल्यू x इंटू वाई की आएगी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेशन भी कर लीजिए, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा 8.46784, आप कैलकुलेशन करेंगे तब भी ये वैल्यू आएगी। अब यहां भी ये देखना है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर तो करेंगे, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है पहले, और उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे। करेक्ट सिग्निफिकेंट इसमें कितनी है आपकी, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कितनी है, जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है ना आपकी, वो आप देखेंगे कि कितनी है आपकी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है, फर्स्ट की कितनी है 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट की कितनी हो गई 4, सेकंड कितनी है 1, 2, 3, तो इसकी कितनी होगी 3। अब ये फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों में से आप सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के देखेंगे कितने हैं। अब बात आई किसकी, सेकंड स्टेप की। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का सेम ही रूल है। मल्टीप्लिकेशन में सेकंड स्टेप है कि इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है, तो इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है, 3 है आपकी। तो रिजल्ट भी, रिजल्ट में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगी वो 3 ही आएंगी। मतलब इसका जब हम एक्स वाई का रिजल्ट करेंगे राउंड ऑफ के बाद, जब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी 3, बट आप इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बट हमें 3 तक लेके जानी है। तो सबसे पहले आप इसको 3 तक लेके जाइए, तो आपका ये 4 है, 8.467 8 बन गया। ठीक है, अब आपका ये 8 तो है 5 से ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 8.468 बन जाएगा, क्योंकि 7 में एक ऐड हो जाएगा 5 से ज्यादा है, फिर ये फिर 5 से ज्यादा है, तो 8.46 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो रिजल्ट इसका कितना आएगा 8.47, तो इसमें देखिए 8.47
इसमें कितने तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया किस पर, तीन पर। पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को पता तो ये लग गया कि हमें 6 से आपको 3 पर लेके आना है। अब 3 पर लेके आएंगे तो फिर राउंडिंग ऑफ के रूल लगेंगे, हम डायरेक्ट 3 पे नहीं आ सकते, राउंडिंग ऑफ के लगेंगे। तो 4 था, ये 5 से कम था तो 8 एजिटिज रह गया, यानी ये राउंड ऑफ हो गया। अब 8 था वो 5 से ज्यादा था तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब 8 था 5 से फिर ज्यादा था तो इसको राउंड ऑफ करना है तो इसमें फिर एक ऐड कर देंगे तो 8.47 आ गया। अब इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना था और ये कितनी बन गई, 3, 8.47। क्लियर? तो इस तरीके से आप कितने भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका डिवीजन। अब इसका डिवीजन जो है, इसमें सबसे पहले डिवीजन कीजिए एक्स बाय वाई। इसका जो डिवीजन है, डिवीजन का आपका रिजल्ट आएगा 360.0576। ये रिजल्ट आएगा, आप इसको डिवाइड करके देखिए, ठीक है, उसके बाद यही रिजल्ट आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब फिर दोबारा से हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग देखना है, तो इसमें देखिए कितने हैं, 2, क्योंकि इन जीरो को तो हम गिनते नहीं। इसमें कितने, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4, और इनमें से कम कौन सा है, 2, यानी हमारा रिजल्ट कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। अब देखिए 2 तक जाएगा तो इसको राउंड ऑफ किए 360.0576। अब आपको जो है आपका जो x by y है, इसमें आपका 360 आ जाएगा किसके बाद, राउंड ऑफ के बाद। मतलब इन सब को हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसी तरीके से, और रिजल्ट कितना गया, 360। अब स्टूडेंट सोचेंगे तो इसमें तो 3 है 360, बट सर ने तो बोला था 2 तक, बट इसमें 3 नहीं है क्योंकि इस 0 को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका रिजल्ट कितना है, 360 में का रिजल्ट है, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 ही है आपकी। सो दिस इज अबाउट द रूल्स, दैट इज योर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो रूल थे उन रूल को मैंने अप्लाई किया किस पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो एक पार्ट आपका इसमें बाकी है कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम जो मिनट्स हैं या फिर सेकेंड्स हैं उनको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई विल सेंड ए टेबल, सो यू जस्ट राइट द फॉर्मूला इन योर नोटबुक। व्हेन एनी न्यूमेरिकल दैट इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू नीड टू चेंज द डिग्री एंगल डिग्री टू द रेडियन, देन यू कैन चेंज। सो टूडे I will send the table also. In the table, all the formula there, that is based on the mathematics, and you will write the formula and then you will implement the formula in the numerical. This is the first thing. Second thing, I completed the first unit, that is units and dimension, all the topics. Now I will send one assignment in which we are having 30 numericals and another assignment, that is your assignment number second. In the first assignment number first, we are having 30 questions numericals, and in the second we are having objective type question answer, true false question answer and filling the blanks. Okay, so you will do all the questions that I am sending. Okay, so this is about the total whole unit, units and dimensions.